झुंझुनू पुलिस ने पिछले 7 दिनों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की शराब पकड़ी है। ये शराब हरियाणा से गुजरात लाई जा रही थी कि वहीं इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप पकड़े जाने से पुलिस और आबकारी विभाग की नींद उड़ गई है। आबकारी विभाग का मानना है कि शराब तस्करों ने झुंझुनू को तस्करी का बड़ा अड्डा बना लिया है और साथ ही ये भी तय हो गया है कि इन तस्करों ने शराब ले जाने के लिए नया रूट तय कर लिया है। आबकारी अधिकारी का कहना है कि पिछले 2 महीने से शराब तस्करी से जुड़े लोगों ने चूरू के बजाय झुंझुनू का रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन हमारी टीम की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो अवैध शराब की तस्करी की जहां तक बात है, बिल्कुल अभी हाल में ही काफी बड़े सीजर्स हुए हैं, कुछ पुलिस द्वारा हुए हैं, कुछ आबकारी विभाग द्वारा हुए हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। इनफैक्ट आबकारी विभाग के साथ भी हमने डाटा शेयर किया, आबकारी विभाग ने अपने नाका पॉइंट्स बताए, हमने उनको अपने नाका पॉइंट्स बताए हैं। तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सिलेक्शन सीजन में किसी भी प्रकार की शराब तस्करी उस पर आदर्श आचार संहिता के लागू होने से लेकर अब तक आबकारी विभाग द्वारा कुल 73 अभियोग दर्ज किए गए हैं अवैध शराब के, जिसमें 11,062 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। जहाँ तक बड़ी कार्रवाई की बात है, हमने 2 बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक ट्रक में 730 पेटी में 6,200 बोतल अंग्रेजी शराब और 10,128 अंग्रेजी शराब के पौधे बरामद किए हैं, उस ट्रक को जब्त किया है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई के तहत 452 पेटियों में एक ट्रक में 5,424 बोतल बरामद करके बड़ी कार्रवाई की है। और बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर से आने वाली शराब पर हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं। विभाग द्वारा वहाँ पर 4 अस्थायी चेक पोस्टें स्थापित की गई है चुनाव के दृष्टि से, और हम लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं। अवैध शराब का राजस्थान में प्रवेश करने पर रोक लगा।